हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीवी। तो मिशा मेरे यानी मिशा के साथ। सो आज हम बनाने वाले हैं मोटे वाली मिर्च का अचार। तो इसके लिए लिए हमने मसाले। तो इसके लिए लिए हमने सौंफ और हरा धनिया पाउडर। इसके लिए लिए हमने काली मिर्च पाउडर। ये है हमारी कलौंजी। हींग है। ये है हमारा गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। ये हमारा मेथी दाना और ये है हमारी राई। ये हमारा नमक है जो हमें स्वाद अनुसार लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हमारी जो कढ़ाई है, हमने इसके नीचे गैस चला दी है, इसलिए गर्म हो रही है। और इसके गर्म होने तक हम वेट करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे अपना तेल। तो लीजिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें अपना तेल ऐड कर लेंगे। तो हमने अपना जो है कढ़ाई में तेल ऐड कर लिया है। अब हम इसको गर्म होने तक वेट करेंगे। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर लेंगे। तो इसमें जो है हम अपनी गैस के फ्लेम को पहले थोड़ा सा लो कर लेंगे, जिससे हमारे जो है मसाले उछले ना और हमें चले ना। तो हम पहले सबसे पहले इसमें राई ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी और कर लेंगे ऐड। थोड़ा सा ऐड करेंगे मेथी दाना। अब हम जो है गैस के फ्लेम को हाई कर लेंगे, क्योंकि मेथी दाना जो है थोड़ा लेट भुनता है। तो देखिए, हमारा मेथी दाना भी अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें कलौंजी ऐड कर लेंगे। तो एक चम्मच इसमें हम ऐड कर लेंगे कलौंजी। देखिए, कलौंजी भी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम जो है, हमारा तेल गर्म था इसलिए जल्दी भुन गई है। तो हम जो है अब इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसमें अपना ऐड कर लेंगे मसाला। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम कर लेंगे लाल मिर्च पाउडर ऐड। अब हम कर लेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच, हरे धनिया और सौंफ पाउडर दो चम्मच। अब हम अपने मसाले को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे तेल में जो है हमारे मसाले अच्छे से भून जाए। इससे हमारे जो है अचार का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए, हमारे मसाले से खुशबू आने लगी है। अब ये चले ना, इससे पहले हम जो है, इसलिए हम इसको बार बार थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा हींग। अब हम इसमें जो है अपना एक चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार अपना नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। देखिए, हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। इनका कलर भी जो है कितना अच्छा हो चुका है। हमारे जो है गैस का फ्लेम हमें धीमा ही रखना है। अब इसमें हम एक चम्मच और जो है हरा धनिया और सौंफ पाउडर ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें एक चम्मच कर लेंगे गरम मसाला ऐड। थोड़ा सा और गरम मसाला ऐड कर लेंगे। तो देखिए, हमारे जो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपनी हरी मिर्च। देखिए, हमने कुछ हरी मिर्च लंबी कट कर ली थी और कुछ जो है ऐसे बीच में से काट के चार टुकड़े कर लिए थे हरी मिर्च के। तो इसमें हम अपनी ऐड कर लेंगे हरी मिर्च और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, हम अपनी हरी मिर्च को जो है इसको अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है और ये पक भी जाती है। ये अचार जो है आप 1 साल तक भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। ये बहुत अच्छा अचार जो है खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और ये ख़राब भी नहीं होता है। तो चलिए, इसी स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा जो मसाला है वो अच्छे से इस पर जो है हमारे अचार इस पर लग जाए
और ये खराब भी ना हो और हमारी मिर्च को भी भुनने में आसानी हो। देखिए हमने इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड कर लिया है, अब इसमें अच्छे से जो है हम मिक्स कर लेंगे अपने अचार को मसाले के अंदर। ये मसाला जो है अचार हमारा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी सारी नई नई वीडियोस आपके पास आती रहे। तो इसी स्टेज पर हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर लेंगे, जिससे हमारी जो है अचार में नमक कम ना लगे। आप अगर आपके पास अगर मतलब ये जो है अचार सब्जी के बिना सब्जी, अगर आपके घर पास कोई सब्जी अवेलेबल नहीं है तब भी आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और हमारी चपाती के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे, जिससे हमारा जो है ये मिर्च थोड़ी सी भुन जाए। तो अपने जो है अचार को थोड़ी 2 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए हमने अपनी जो है प्लेट को हटा लिया है और हमारा अचार देखिए कुछ हद तक पक चुका है। अब थोड़ा सा और इसको पका लेंगे। देखिए हमारा जो अचार है वो अच्छे से पक चुका है और अब हम इसको अपना जो है सर्व कर लेंगे, इसको सेव करके रख देंगे। आप जो है मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है, मेरे जो है मिर्च के अचार की रेसिपी, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।